नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तरनदीप सिंह, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपोलो क्लिनिक एंड चंडीगढ़ सिटी हॉस्पिटल में। आज डॉक्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि आज उनसे कुछ बातें की जाएं जो बच्चों से के हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा आज का विषय है, आज का हमारा टॉपिक है कि हम जानें कि बच्चों में हार्ट डिजीज क्यों होती है, उनके कारण क्या होते हैं, सब चीजों के बारे में। तो मैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जो मैं जानना चाहता हूं, जो लोगों के तक पहुंच सके और उनकी जिज्ञासा भी समाप्त हो पाए और उनको उनका समाधान भी मिल पाए कि किस तरह से वो इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि बच्चों में मुख्यतः हार्ट डिजीज कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद दीपांशु। अगर हम बच्चों में हार्ट डिजीज की बात करें तो द मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीजेस इन चिल्ड्रन आर कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। अगर हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात करें, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वो होते हैं जो कि जन्म में बच्चे में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बच्चों में हार्ट की धड़कन की प्रॉब्लम हो सकती है और इसके अलावा बच्चों में हार्ट में इन्फेक्शन की संभावना रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कितने कॉमन होते हैं जो बच्चों में जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी कॉमन होती हैं? अगर हम बच्चों में हार्ट डिसीजेस की बात करें, स्पेशली कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस, तो अगर हम बात करें कि अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें 10 बच्चों को हार्ट डिसीज हो सकता है। और इनके कारण मुख्यतः क्या रहते हैं डॉक्टर साहब? मुख्यतः अगर हम बात करें 60-70% तो इसकी कोई वजह नहीं होती है, लेकिन फिर भी 30% केसेस के अंदर जेनेटिक कॉजेस, इसके अलावा मादक पदार्थों का सेवन, दवाइयां, एक्सरे का एक्सपोजर इत्यादि इसकी वजह हो सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा कारण, उसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूं, सपोज किसी के बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है और उसका दूसरा बेबी भी एक्सपेक्टेड है, तो क्या उसके भी ये चांसेस हैं कि वो ये बीमारी से ग्रसित हो सकता है? दीपांशु, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने मुझसे किया। अगर किसी के एक बच्चे को कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम है तो उसके नेक्स्ट बच्चे के अंदर 2-4% संभावना रहती है हार्ट डिसीज दोबारा से होने की। इसीलिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम उस बच्चे के लिए फीटल इको एडवाइस करते हैं। डॉक्टर, मैंने पीडियाट्रिक इको के बारे में भी सुना है, वो किस स्थिति में कराई जाती है? पीडियाट्रिक इको 2 स्थितियों में कराई जा सकती है। एक तो अगर किसी का फीटल इको या फीटल स्कैन में कुछ हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आई हो तो फिर हम बच्चे की डिलीवरी के बाद पीडियाट्रिक इको करते हैं। इसके अलावा जब कभी कोई पीडियाट्रिशियन या ट्रीटिंग डॉक्टर किसी बच्चे में संभावना व्यक्त करता है कि इसको कोई हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तब वो उस बच्चे को पीडियाट्रिक इको के लिए हमारे पास रेफर करता है। इस बीमारी के बारे में चिंता करने की कितनी जरूरत है डॉक्टर? अगर हम कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो काफ़ी हद तक कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस में कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस में सर्जरी या नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस, जिसको हम कैथेटर बेस्ड इंटरवेंशंस कहते हैं, इसकी दवाइयों के साथ ज़रूरत पड़ सकती है। मैं इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपोलो क्लिनिक में रोजाना उपस्थित होते हैं। सो अगर बच्चों से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या के बारे में वो जानना चाहते हैं, डॉक्टर से परामर्श करना चाहते हैं, तो वो सेक्टर 8 अपोलो क्लिनिक में SU 10/11 में आकर वो डॉक्टर साहब से सुबह 9 बजे से लेकर 11 के बीच में मिल सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने कीमती समय दिया और हमें ये जानकारी उपलब्ध कराई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। For best treatment and care, book an appointment today.